सुबह सुबह सफारी के लिए रेडी हो गए हैं। कैंटर आने वाला है हमारा, 6 बजे का टाइम है अभी सुबह का। हम बाहर वेट कर रहे हैं, 6:05 का उसने टाइम लिया। ये सामने पूरा जंगल है, ये कैंटर आ गया है हमारा लेने के लिए हमें। कैंटर सफारी शुरू हो चुकी है, यहाँ से निकाला था। ये कोसी रिवर जल्दी माता टेम्पल के नीचे, कर लिया देवी मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है। अब इसके बाद सुंदर ये सुंदर खाल वही ले जाए, यहाँ भी टाइगर रोज आता है। यहीं से आगे जाके टिकाला गेट पड़ता है, धनगढ़ी जो अंदर निकाला करे जाता है। यहीं से टाइगर लॉज पहुंच सकते हैं। धनगढ़ी गेट आ गया, यहाँ से 31 किलोमीटर निकाला है। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ मुझे कल का।
ये सुबह सुबह सारे कैंटर यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर यहीं से 6:15 का टाइम है। सफारी शुरू होने वाली है हमारी। सबसे पहले हमारा एक एंटर जा रहा है अंदर। खोले हुए हैं अभी और जूम करो। दिन से सोच रहे खाना टिकाना जाएंगे आज कैंटर की सफारी मिलेगी। सीट भी काफ़ी अच्छी है, पीछे आराम से काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ पर लेग रूम भी अच्छा है। खैर निकाला तो जगह ही बड़ी अल्टीमेट है, यहाँ वैसे टाइगर सेटिंग हो ही जाती है आराम से। बाकी भाई लग गया इतने वक्त है यार। ये तो है मॉर्निंग सफारी का मज़ा ही अलग है, एकदम शांत जंगल बिल्कुल। और डिकाला में तो ये है कि जिप्सियाँ ऑलरेडी पहले ही अंदर होती हैं और कैंटर से एंट्री होती है, जो जिनकी बुकिंग नाइट स्टे की नहीं होती, और जिप्सियाँ लोग जो नाइट स्टे की बुकिंग होती हैं। सनराइज भी होने वाला है, काफ़ी अच्छे दर्शन कर रहे थे। सुल्तान एफआर एच है जो फर्स्ट है, ऐसे इसमें मेरे ख्याल 5-6 हैं। यहाँ भी आप चाहो नाइट स्टे कर सकते हो, फिर आगे की सफारी कंटिन्यू कर सकते हो। अभी अगर आपको डीपली ये जंगल घूमना हो तो उसके लिए आप पार्क के अंदर स्टे भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने राइट पे देखें ना, ये रेस्ट हाउस बना हुआ है, तो इसमें आप रुक करके जिप्सी से सफारी कर सकते हैं। जिप्सी इन पतली सकती सड़कों में भी चली जाती है जिनमें ये कैंटर नहीं जाता, और दूसरा थोड़ा टाइम फ्रीडम भी आपके पास ज़्यादा रहता है, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर शाम तक आप 8 घंटा जिप्सी से घूम सकते हैं। इस कैंटर राइड में क्या है कि हमारे पास एक जो है लिमिटेड ट्रैक है, और उसी ट्रैक के अंदर हमने घूमना है। एनिमल्स सिर्फ वही देख पाएंगे जो रोड पे कहीं होंगे या जिनके साथ हमारा टाइमिंग मैच होगा। हाँ, कहीं पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट लग रहा है, कहीं पे कॉलिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे कुछ देर तो हम लोग रुक सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होता जी। आप लोगों को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो भी देखते हुए चल रहे हैं, कहीं पे कुछ भी दिखाई देता है तो आप गाड़ी रुकवा सकते हैं। मोस्टली डियर तो दिख ही जाएगा, डियर के अलावा अगर कुछ दिखाई देता है तो आप गाड़ी रुकवा सकते हैं, आगे पीछे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन इस ट्रिप को लेकर के, किसी के माइंड में कुछ चल रहा हो?
रास्ता अंदर को जा रहा है, गैरल फॉर एफ होगा ना। Ramganga River, the lifeline in Corbett is the wild animals drink the water, only resources reside.
में। देख लिया था वो पीछे, उसके पीछे बैठा ना। कभी लेदर भी नहीं है ना, ये सारे मेल स्पॉटेड डियर हैं। नहीं हुआ निकाला, सारे जा गया। ये सारा ग्रास लैंड, और पीछे गाड़ियां देखिए आप। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टिकाला। वो खड़े एलिफेंट बहुत सारे हैं, और टेंट आ जाएंगे, भीड़ हो जाती है। लगभग आधे घंटे का ब्रेक रहेगा हमारा, वॉशरूम जाना वो ग्रीन हट पर ही है, आगे चले जाएंगे।